नमस्कार सभी को। मेरे लिए बहुत सौभाग्य है कि मैं वापस प्रेरणा लेने के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो प्रेरणा के स्रोत महामाना जी, भारत रत्न महामाना जी, और यहाँ पर जो स्मार्ट सिटी की बात हो रही है उसमें मैं कुछ विचार अपने रखूँगी जो मैंने अपने काम करते करते जो उसमें से बने हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्मार्ट सिटीज रिक्वायर स्मार्ट एंड गुड पीपल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि स्मार्ट सिटी अगर सस्टेनेबल नहीं है तो वो कोई मतलब नहीं है। तो उसके लिए स्मार्ट और गुड पीपल का होना ज़रूरी है, अच्छे, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य, मैं बाहाई धर्म की अनुयायी हूँ, उसमें कहा गया है कि शिक्षा का दुनिया जो है वो हीरों की खान है और वो छिपे हुए हीरे हैं। शिक्षा और अवसर से वो एक्चुअली हीरे बनते हैं और चमकते हैं। जैसे IIT है मान लीजिए, तो इसको ये हीरे पैदा कर रहा है अवसर से। पर स्मार्ट और गुड, स्मार्ट यानी सब कुछ कर सकें जो उनके पढ़ने लिखने की बात है, ये दुनिया जो भौतिक विकास है, और गुड जो है वो स्पिरिचुअल विकास है, और दोनों विकास स्पिरिचुअल आधारित विकास जब होगा, मानव आधारित, परमात्मा के प्रेम के कारण जो विकास होगा वो स्मार्ट और अच्छा होगा, तो दुनिया अच्छी होगी। स्मार्ट सिटी की जो बात है, मुझे ऐसा लगता है कि स्मार्ट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम लोग बिल्डिंग है कोई बना लेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, रेनोवेट कर देंगे, उठा देंगे, गिरा देंगे, ये नहीं है स्मार्ट। ये स्मार्ट सिटी ट्रांसफॉर्म होने की बात है, वो ट्रांसफॉर्म हो सके, और इसका मतलब ये नहीं कि कैसा दिखता है बल्कि वो कैसा बिहेव करता है वो शहर, और वो केयरिंग है, शेयरिंग है, नेबरहुड है, और वहाँ पर अपना कभी भी अपनी संस्कृति और जो धरोहर उस शहर के पास है उसको कभी भी त्यागे ना, तो वो स्मार्ट सिटी होगा, ऐसा मेरे को लगता है। और जितने लोग उसमें इन्वॉल्व हों उनका, उनको सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है कि वो ग्रेट वैल्यूज़, वो ग्रेट कल्चर, इंडिजिनस नॉलेज, हेरिटेज, हिस्ट्री, सोशियो कल्चर, कैरेक्टर, मैंने इंदौर एग्जाम्पल के लिए लिखा है, जैसे वहाँ की बात है, नोन फॉर सस्टेनिंग रिलेशनशिप। एक ऐसा, मैं अभी यहाँ की बात करूँ उत्तर प्रदेश की, या विशेष तौर पर वाराणसी, पिछली बार भी मैं आई थी, एक शब्द जो यहाँ का सस्टेनेबल है जो मैं सीख के गई हूँ यहाँ से, प्रणाम। तो ये प्रणाम बना रहे ईश्वर को, उसकी दुनिया को, उसकी कायनात को, ये बना रहेगा तो सस्टेनेबल होगा, और सब फिर एक दूसरे को। आज हम जब सुबह मिल रहे थे सब लोग, मेरा नाम जनक दीदी लिखा, मैं इतनी खुश हो गई, क्योंकि हम उस प्रेम से बंध जाते हैं, वो रिश्तों से बंध जाते हैं, तो वो रिश्ते सस्टेनेबल होंगे, तो स्मार्ट सिटी की जो बात है। तो पहली बात है कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल, सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल और कल्चरल पैटर्न सारे एक जगह पहले समझे जाएं कि ये क्या है, उसकी आगे की प्लानिंग के लिए, फिर ये आर्टिकुलेट किया जाए पर सस्टेनेबल मैनर में, नॉट जस्ट टू फोकस मेनली ऑन वर्टिकल इंटीग्रेशन विद इन एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज, जिसमें एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, वाटर, हेल्थ, केवल इतना ही नहीं, बट ऑल्सो बैलेंस इट विद हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन एज वेल एज क्रिएटिंग ए सिस्टम ऑफ सिस्टम्स केपेबल ऑफ अचीविंग कंसिडरेबल इंक्रीजेज इन एफिशियंसी एंड जनरेटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज नॉट जस्ट फॉर द सिटी एंड इट्स सिटीजन्स बट हैज़ टू सर्व एज ए हब फॉर डिवेलपिंग रूरल कम्युनिटीज अराउंड इट। ये मेरी जो विजन है, जो समझ है, जो मैंने समझा है। और वो शहर जो स्मार्ट तब कहलाए जाएंगे जब वो वॉयलेंस फ्री होंगे, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होगी, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, समृद्ध होंगे, संपन्न होंगे, और वो हेल्थी एंड प्रॉस्परस का ईव टीजिंग नहीं होगी,
बलात्कार नहीं होंगे, किसी की चेन खींच के ले गए, किसी का सामान उठा के ले गए, किसी का कुछ भी उठा के ले गए, करप्शन नहीं होना, एडल्ट्रेशन खाने पीने में नहीं होना, ये मिलावट शुद्ध। कल मैं शाम को जब ट्रेन वहाँ एयरपोर्ट से आ रही थी, मैंने ड्राइवर से पूछा, पिछले साल से इस साल तक बिस्लरी बहुत ज़्यादा दिख रही है, गंगा का पानी पीने के लायक नहीं है क्या? जिस दिन गंगा का पानी पीने के लायक होगा, उस दिन आप कहने के लायक होंगे कि ये स्मार्ट सिटी है। बिस्लरी दिखेगी नहीं जिस दिन, उस दिन ये स्मार्ट सिटी होगा। और स्वच्छता अभियान की बात, आत्मा की स्वच्छता, क्योंकि सारा कचरा तो आत्मा से शुरू होता है, आत्मा की स्वच्छता, मन की स्वच्छता, दिमाग की स्वच्छता, विचारों की स्वच्छता, प्रेम में स्वच्छता, रिश्तों में स्वच्छता, असली सब, असली घी, असली खाना, असली दूध, गैया असली गैया, हमारी मैया, सब कुछ असली, असली हो जाएगा तो वो स्मार्ट होगा। नकली स्मार्ट कैसे हो सकता है? ये अभी लॉ अबाइडिंग होंगे लोग, रिस्पॉन्सिबल होंगे, विजिलेंट होंगे और ठीक से बिहेव करेंगे। अभी मैं महिला दिवस बहुत दिन लगातार महिला दिवस पे बोलती आई हूँ, तो आपके सामने भी कहना चाहती हूँ कि लगातार लोग बात कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ, मैं अब ये कह रही हूँ कि बेटे बचाओ, कि बेटे बलात्कार नहीं करें, बेटे दुष्कर्म नहीं करें, बेटे दारू नहीं पिए, बेटे आवारा कुत्तों जैसे नहीं घूमें, बेटे गंदगी नहीं करें, बेटे बचाओ। बेटियों को तो बचा के ही रखने का देखा जाता है हर जगह पर, एक प्रयास है घर में, माँ बाप हर टाइम फोन पे भी। कल मेरे साथ रिसर्च स्कॉलर लड़कियां थी, उनके माँ बाप पूछ रहे थे अभी कहाँ हो, पूरा कंट्रोल हाथ में फोन है, वो पूरा कंट्रोल करते हैं फिर भी माँ बाप, पर बेटे को कोई माँ नहीं पूछती, पिताजी पूछते। हमारे मेरे गाँव में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ तो किसी से भी पूछो भैया कहाँ गए, कहीं मालूम, कब आएगा, कहीं बताता है क्या उसको, पूछ माँ भी नहीं पूछती, पत्नी तो सवाल ही नहीं पूछ सके क्योंकि वो तो ऑल परफेक्ट है वो। तो मुझे लगता है बेटे बचाने का भी टाइम है, बेटियां भी बचानी है, पर बेटे बच जाएंगे तो बेटियां अपने आप बच जाएंगी, सुरक्षित हो जाएंगी ना, विश्वसनीय बेटे हो जाएंगे जब। स्मार्ट शहर कब होगा? जब शहर के युवा विश्वसनीय होंगे, उनका चरित्र विश्वसनीय होगा, सुरक्षित महसूस करेंगी लड़कियां उस शहर में। बूढ़े लोग, बच्चे लोग, मैंने लिखा सिक्योरिटी, और ये एटीएम तोड़ रहे हैं, चेन खींच के ले जा रहे हैं, किसी का बैग खींच के ले जा रहे हैं, ये सब नहीं होना। सेफ्टी, सिक्योरिटी, बच्चों की, महिलाओं की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाए, रिक्रिएशनल स्पेसेस हो। अभी तो ये मोबाइल फोन में इतना मन लगा पड़ा दुनिया का, रिक्रिएशन की और कोई बात ही नहीं हो रही। तो अब आगे दूसरी बात ये है कि ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वो लोकल लोगों को माना जाए, बजाय इसके कि कंसल्टेंट ला ला गए अमेरिका से, वहाँ से, यहाँ से, वहाँ से। अभी इससे अच्छी क्या एग्जांपल है आपके पास, गौरव केडिया आपने रखा है इधर, ये है लोकल ह्यूमन रिसोर्सेज आपके IIT का। वी शुड हैव लोकल पीपल मोर एंड मोर इन्वॉल्व इन द बिल्डिंग एंड ग्रोइंग ऑफ द सिटी। एंड एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा एक लिस्ट बनाना चाहिए, IIT को एक लिस्ट बनाना चाहिए, हो सकता है बनी हुई आपके पास ऑलरेडी, अवार्ड विनर्स कौन है, कौन से काम में कौन अच्छे हैं, कौन से सब्जेक्ट में कौन ज़्यादा अच्छी सेवा दे सकता है, कौन डोनेट कर सकता है, किसकी क्या कॉम्पिटेंस है, किसका क्या टैलेंट है, किसकी क्या स्किल्स है, ये सब प्रोफाइल का मतलब ये है। ये प्रोफाइल का मतलब ये नहीं, ये जो रेटिंग करते हैं आजकल, आप वोटिंग करो, क्यों वोटिंग करें हम एक बिल्डिंग के लिए भी वोटिंग करें, कॉलेज के लिए वोटिंग क्यों करें? यहाँ तो हर पढ़ा हुआ बच्चा IIT का एक रेट है, उसका रेट होना चाहिए। Why should IIT be rated by people by clicking on the website? IIT का गौरव को देख के लोग समझे ये IIT से पढ़ा हुआ है, BHU से। तो आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए। बाकी ये
लोकल यूथ, वॉलंटियर्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और जो लोकल जितने इंस्टीट्यूशन है, IIT है, IIM है, जितने इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, जितने मेडिकल इंस्टीट्यूट, दे शुड ऑल बी इन्वॉल्व्ड इन डेवलपमेंट ऑफ द ओल्ड एज ये सिटी. एंड इट शुड हैव हेरिटेज संभालना है, हेल्थ, ओरिजिनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स एंड कल्चर एंड स्पोर्ट्स एंड गुड. पुराने खेल, कोई पुराने खेल खेलता है क्या अभी यहाँ? अभी क्रिकेट चलती है तो दुनिया बंद हो जाती है ऐसा लगता है मेरे को. कभी कभी मैं सोचती हूँ अच्छा है अभी भी क्रिकेट लड़कों का खेल है, नहीं तो भारत भारत खत्म हो जाता. लड़कियां हैं इसलिए घर चल रहा है, वो टीवी नहीं देखती है ज्यादातर क्रिकेट. तो बाकी जितने भी पुराने यहाँ के बिजनेस, यहाँ के टेक्सटाइल, जो भी यहाँ के क्राफ्ट्स हैं वो बचे रहें, सारे सस्टेन कर पाए, संगीत, यहाँ के भजन, यहाँ की प्रार्थनाएं. और ये स्मार्ट की बात जो है, अगर घर आए आंगन में सूर्य को नहीं हम संभाल पा रहे, सूर्य जो अपनी ऊर्जा दे रहा है उसको नहीं ले पा रहे, तो काहे के स्मार्ट हम. तो मैं सोचती हूँ कि छत पे सूरज आता है उसको संभाल ले, आंगन में आता है उसको संभाल ले, खिड़कियाँ खोल ले अपनी आत्मा की. और ये खिड़कियाँ खुली, मेरे को सबसे खुशी आज इस ऑडिटोरियम में आपने प्रोग्राम रखा है, यहाँ खिड़कियाँ खुली है. ये हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा बना दिया कि सब उसी की खिड़कियों पर चल रहे हैं, अपनी खिड़कियाँ हमने बंद कर दी है. तो मुझे लगता है कि ये चारों तरफ से एनर्जी, क्योंकि एनर्जी पर दीपक बोलेंगे, अजय बोलेंगे, मैं बहुत लंबी, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ किसी भी सब्जेक्ट की, तो मैं तो सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मेरे अंदर जो जो चलता रहता है वो मैं बोलती रहती हूँ. तो एडमिनिस्ट्रेशन, लोग, एक हमारे जो त्यौहार हैं, शहर के लोग स्वस्थ होंगे, हमारे पक्षी. मैं ऐसा बताना चाहती हूँ आपको कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ईश्वर, उसकी सब रचनाएं, मानव रचना, पशु जगत, वनस्पति जगत, पशु जीव जगत, आगे जो है हमारा वनस्पति जगत और खनिज, ये सारे जगत को संरक्षण करना मानव का आध्यात्मिक कर्तव्य है, क्योंकि वो इस दुनिया में भेजा गया है ईश्वर को जाने पहचाने. उसकी रचनाओं के माध्यम से ही तो ईश्वर को जानते हैं हम. ईश्वर है इस बात का प्रूफ है कि गन्ना मीठा होता है और करेला कड़वा होता है. पक्षी को पता है कि कैसे उड़ना है, उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है, उसको देख के लगता है इसको किसी, फूलों को देखकर, पत्तों को लेके, तितली को देख के, हवा का झोंका, तूफान आता तो हे भगवान, हे राम, उसको ये सब को देख के हमें इन रचनाओं से पता चलता है कोई ईश्वर की शक्ति है. तो इन रचनाओं से हमारा क्या रिश्ता है वो सस्टेन करना है. वो रिश्ते सस्टेन तब होंगे जब हमारा जीने का तरीका, हमारा रहने का तरीका, हमारा मरने के बाद जो सब कुछ करते हैं, याद में क्या करते हैं, वो सब काम, वो सब एक नई संस्कृति बने विकास की, जो सस्टेनेबल तरीके से हो. मैं आपके साथ कुछ शेयर करूंगी बाद में, ऐसी स्लाइड मैं कैसे प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही हूँ और सीख रही हूँ. तो बिना वेस्ट किए कैसे जीना है, सेलिब्रेशंस कैसे, अभी तो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का कचरा, शादी का कचरा, पार्टी का कचरा, बर्थडे का कचरा, पिकनिक का कचरा, धर्म के कार्यक्रम का कचरा, राजनीति के कार्यक्रम का कचरा, हर चीज के साथ कचरा हो रहा है. तो मुझे लगता है कि हमें ये, जब ये कचरा रहित सब हो जाएगा तो स्मार्ट हो जाएंगे हम. और मतलब गंदा करके स्वच्छ करना, स्वच्छता कभी नहीं हो पाएगी. स्वच्छ रखना और गंदा नहीं होने देना, वो स्वच्छता है. आत्मा की भी, दिल की भी, शरीर की भी, आसपास की भी, सब जगह की भी, कैंपस की भी. और एक लिस्ट ऐसी बनाई जाए, ऐसा डेटा इकट्ठा किया जाए. एक लास्ट बात इसमें मैं इस विषय में ये कहना चाह रही हूँ, स्लाइड तो मैं अभी दिखाऊंगी क्विकली आपको अपनी, कि लिंकेजेस नहीं होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव और कहीं भी, ओवरलैपिंग बहुत होती है. जैसे हमारे यहाँ कोई कलेक्टर आते हैं, DM, वो एक प्रोग्राम शुरू करते हैं, वो एक जोश में आके एक प्रोग्राम शुरू करते हैं, जब अगले वाले आते हैं तो दूसरा कुछ शुरू करते हैं.
वो मेयर आते हैं कुछ और करते हैं, आईडीए वाला आता है कुछ और करता है, वो लायंस क्लब का नया चेयरमैन आता है वो कुछ नई बात करता है। तो मुझे लगता है कि लिंकेजेस प्रोग्राम चलने चाहिए, ये चेयरमैन ओरिएंटेड प्रोग्राम नहीं होने चाहिए, ये ब्यूरोक्रेट ओरिएंटेड प्रोग्राम नहीं होने चाहिए, मिनिस्टर ओरिएंटेड प्रोग्राम नहीं होने चाहिए, वाइस चांसलर ओरिएंटेड प्रोग्राम नहीं होने चाहिए। महामना ने जो प्रोग्राम बना के दिए हैं वो प्रोग्राम आप कैसे सस्टेन करेंगे, वो प्रोग्राम चलने चाहिए। तो ये मैं बात आपके साथ, मुझे लगता है कि अभी मैं बहुत संक्षेप में आपको अपनी यात्रा, मैंने यहाँ कहाँ सीखा, ये बातें कहाँ से आई हैं, मैं 15 साल की थी जब मेरा पता चला ओपन हार्ट सर्जरी होना है, मुझे एक साल अस्पताल रखा गया और जब 9 महीने मैंने लोगों को मरते हुए देखा कोई भी ठीक नहीं हुआ, मेरा सर्जरी हुआ तो मुझे पता गया आपको बचेंगे नहीं, क्योंकि कोई बचता ही नहीं था। लेकिन मेरे लिए बहुत लंबी स्टोरी है, पर मेरी सर्जरी सक्सेसफुल हुई। डॉक्टर्स ने कहा जनक देखो यू हैव मेड द हिस्ट्री, जब तक वो बात हुई इस बीच में मैंने ईश्वर से बोल दिया आपने नई जिंदगी दी है, मेरी आँख खोलने से पहले आपने मुझे नई जिंदगी दी है, इसको आपका धन्यवाद देने में लगाऊंगी। वही धन्यवाद देने आज महामना की संकट मोचन की धरती पे आई हूँ। और फिर यात्रा शुरू हुई, ईश्वर कहाँ है, थैंक यू कैसे देना, वो करते करते फिर मेरे को 64 में अस्पताल गई, एक साल अस्पताल में रही, 65 में घर आई, 65 से 81 तक मैंने चारों धाम कर लिए, सारी देवियाँ, सारे आश्रम, सारे धर्म। अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगा कि मुझे बहाई धर्म पसंद है और मैंने अपनाया और मेरा मार्ग क्लियर हो गया मुझे क्या करना है। ये भी केदारनाथ जी का चित्र है, पर मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे माँ बाप ने मुझे सब करने दिया जो मैं करना चाहती थी। मैं उनकी लाडली बेटी थी, अभी तो सिर्फ लाडली बेटी मामा जी की है, हमारे यहाँ तो सीएम की लाडली है, माँ बाप की कोई लड़की लाडली नहीं। ये मैंने बहुत सारी नौकरियाँ काम की है, आप लोग देख लेंगे उस पर गूगल पे, लेकिन एक मेरे यहाँ बैठे हुए बच्चों को स्पेशली बताना चाहती हूँ कि आप बहुत खुश नसीब हैं कि IIT में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं। मुझे कोई कारण नहीं था, लेकिन मैं ईश्वर को धन्यवाद देने में और मेरे एक अपने स्टाइल में जीने का मेरा एक तरीका था कि मैं कॉलेज पढ़ने नहीं गई, यूनिवर्सिटी भी पढ़ने नहीं गई, पर मैं कहाँ पढ़ी हूँ, वो काम मैंने 85 में इंदौर आके आदिवासी लड़कियों का एक सेंटर शुरू किया। ये उस टाइम का फोटो है, ये कैंपस है जो 26 साल जहाँ मैंने सीखा जो भी आज बोल रही हूँ आपके सामने। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने आदिवासी लोगों से सीखी, मैंने उन लड़कियों से सीखा कि एक कमरे में सब कैसे साथ में सोते हैं, मैंने उनसे सीखा कि थोड़े में गुजारा कैसे करते हैं, मैंने उनसे सीखा कि एक बीमार है तो सब दुखी कैसे होते हैं, एक रोता है तो साथ में सब रोते कैसे हैं, सच में कैसे रोते हैं, एक दिखाने वाला रोना भी होता है और एक खुशी है तो डांस कैसे मिलके करते हैं, सब कुछ। मैंने बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान में रहकर ये जीवन के सब पाठ, मेरे जीवन की पाठशाला है वो 26 साल, और ये जो बना है वहाँ उन सब लड़कियों ने बनाया है ये इंस्टीट्यूट, मैंने नहीं बनाया है ये। कई बार लोग मुझे क्रेडिट देते हैं, राष्ट्रपति जी ने भी दिया, लेकिन मैंने नहीं बनाया ये सब उन लड़कियों ने और उनके जीजा जी ने बहुत काम किया, उनके जीजा जी का देखेंगे आप आगे चल के। ये 500 गाँव की 6000 लड़कियाँ वहाँ पढ़ के गईं, और ये पहले 3 साल एक साधन था मेरा, मैं डायरेक्टर थी लेकिन और कुछ साधन नहीं था मेरे पास, एक टायर की चप्पल खरीदी 2 रुपए की और ये एक थैली कपड़े की लेके मैं गांव, कोई गाड़ी नहीं, कोई साधन नहीं, एक बार सरकारी बस में बैठे, ये मोबाइल फोन नहीं होता था ससुरा तब अच्छा था क्योंकि जब मैं लोगों के बीच में थी तो मैं लोगों के साथ होती थी, यहाँ हर 2 मिनट में मेरे घर पे लोग मिलने आते हैं, हर 1 मिनट में वो किसी और से बात कर रहे होते हैं, तो क्योंकि वो तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो गया है वो सब। तो लेकिन मैं 302 गांव में 302 रात रही, नारू एक बीमारी थी उसको भी ठीक करने में उनके साथ रह के उसको कैसे उन्होंने निवारण किया। ये एक बात भी हमेशा मैं युवाओं को बताना चाहती हूँ कि
स्मार्ट के साथ अच्छे होना बहुत जरूरी है, लेकिन सस्टेनेबल तभी होगा जीवन, अगर आपका जीवन साथ सस्टेनेबल होगा तो। मेरा पति, मेरे पति और मैं दोनों बाय चॉइस सेवा के काम में रहे, दोनों बहाई अपने अपने जीवन में पहले से ही थे, और उन्होंने भी पूरा जीवन मेरे साथ बहुत साथ दिया। पहला बाग मैंने 3 साल में बनाया, मैं डायरेक्टर और ये मैनेजर, आने वाले कुछ सालों में अकेले उन्होंने, और कोई स्टाफ नहीं था, फिर ये सब बिल्डिंग्स, कैंपस डेवलपमेंट, इको फ्रेंडली कैंपस, राइट साइड पे ये जो बिल्डिंग है, ये पहले जो मैंने बनाई थी वो गिरानी पड़ी, अब जरूरत बड़ी हो गई थी, तो ये गेट के लिए कैसे बनाया था जब मैं डायरेक्टर थी इंस्टीट्यूट की, ये सबके आगे बैठी हूँ राइट साइड पे, लड़कियों के आने के लिए रास्ता बनाना था, और ना तो कोई साधन था मेरे पास ना फंड्स है, लेकिन बनाया। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये अवसर मिला, और फिर ये 26 साल का फोटो दूसरा। मैं चाहती हूँ आप सारे यंग बच्चे कभी जीवन में, आपके जीवन में ईश्वर करे, पर आप करोगे तो ईश्वर करेगा, ईश्वर करे आप अपने जीवन की 2 तस्वीरें अपने पोते पोती को दिखा सके। अब मेरे तो आप ही हैं सब, दीदी आई और दीदी के लड़के लड़कियां उनके बच्चे, ये सब बैठे, सबसे बड़े जो यहाँ के बैठे हैं, जिन्होंने यहाँ बैठे हैं, जिनके कितने दूसरी तीसरी पीढ़ी के सर के बैठे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो ये सस्टेनेबिलिटी के लिए तो वहाँ से काम शुरू करना, अभी अपने पास क्या है, अपने पास एक कुआं है, तो जिमी उतरे कुएं में, कुआं सुधारा, पानी रिचार्ज किया, टेक्नोलॉजी लगाई, रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया, पुली लगाई, वो बिल्डिंग गिरा के उसको रिसाइकिल करके मटेरियल उसका रोड बनाया, और ये ट्रॉली 2 दिन में बनाई, और ये देख रहे हैं आप, पहली उम्र में भी झुक के काम करते थे और आखिर वाली उम्र में भी झुक के काम करते थे। झुकना बहुत जरूरी है जिंदगी में। पंजाब में कहते हैं फल नीवे और रुखा नु लग दे, जो विनम्र होते हैं उन पेड़ों को फल अच्छे लगते हैं, तो गुड होने के लिए विनम्र होना भी जरूरी है। स्मार्ट मतलब काम कर लेना और अच्छे से कर लेना, वो जरूरी है। ये फिर उस जगह को, 6 एकड़ जमीन को सस्टेनेबल कैसे बनाना है, पहला ये उद्देश्य था कि यहाँ जो लोग रहते हैं संस्था में, उनको खाने को सब यही पैदा करेंगे, ऑर्गेनिक करेंगे, और ये सब वो सब 2 घंटे काम करेंगे। मैं यहाँ के कैंपस के बच्चों को पूछना चाहूँगी या कहना चाहूँगी, आप अपने कैंपस के लिए 2 घंटे में क्या करते हैं, नहीं करते हैं तो ज़रूर कीजिए कुछ। ये सब वहाँ होने लगा, फिर ये सब पर कैसे किया, श्रम के बिना नहीं होगा। स्मार्टनेस माइनस श्रम 0, देर विल बी नो स्मार्टनेस अगर श्रम नहीं है। ये रक्षाबंधन पेड़ लगा के, एक भैया भाभी मिले मुझे 86 में ट्रेन में, फोन नहीं था ना, सब बात करते थे, खाना भी खाते थे, रास्ते में दिल्ली तक पहुंचते हुए भाई बन गए हमारे, वापस आए तो संस्था में सेवा देने लगे, राखी आए तो बोले राखी करेंगे आप मेरे साथ, मेरी बहन नहीं है, उनकी पत्नी भी साथ में, फोटो में नीचे बैठे हैं लेफ्ट साइड पे, सिंधी परिवार है, उन्होंने कहा आपको हाँ कर लेना, आप आ जाना कर लेंगे राखी, आपको सूट पसंद है कि साड़ी पसंद है। मैंने उनको बोला देखो सूट भी जाएगा, साड़ी भी जाएगी, भाई भी जाएगा, बहन भी जाएगी, मुझे केवल पेड़ पसंद है, मेरे साथ राखी करनी है तो पौधा ले आना, पेड़ लगाएंगे। ये उस दिन से लेकर मैंने जब कैंपस छोड़ा तो वो 900 पेड़ों के साथ छोड़ा, और उनकी भी बहन आती थी, वो ऊपर जो फोन ऊपर वाले फोटो में, वो फरवरी में चली गई, अप्रैल में भाई भी चले गए उनके 2011 में, लेकिन वो पेड़ हैं और वो पेड़ फल दे रहे हैं और वो पेड़ छाया भी दे रहे हैं। तो ये इसलिए ये एक एक परिवर्तन एक जगह का, कैसे उन लड़कियों को हम पढ़ाते थे, क्योंकि वो ऊपर वाली फोटो दिखाती है, स्कूल नहीं भेजते थे, ये स्कूल नहीं गई थी लड़कियां ट्राइबल एरिया की, फिर नेशनल ओपन स्कूल का एग्जाम देना होता था उनको, हेल्थ लिटरेसी कम्युनिटी सेवा, उनकी सारी स्किल्स
ये कभी स्कूल में गई हुई लड़कियां आप burly.org पे डिटेल्स पढ़िएगा, मैं बहुत लंबी इसके ऊपर चर्चा नहीं करूंगी, लेकिन ये लड़कियां स्मार्ट एंड गुड बन के अपने गांव में सेवा दे रही हैं, अपने किसी के बिना पैसे लिए, अपने लिए कमा रही हैं, अपने गांव में सेवा दे रही हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन टू देयर ओन कम्युनिटी। ये वो लड़कियां जिनको पेपर पे नाम कैसे लिखना है, रोल नंबर कैसे लिखना है, 6 महीने में ये सब सीखना, और ये हर पूरे इंडिया की लड़कियां वहां आती थी ट्रेनिंग लेने के लिए। अभी ये गीतों के माध्यम से ये सब, और ये डायस, मैंने एक दिन जमी को बोला 25 साल हो गए अपने पास एक डायस नहीं है, बोले आई हैव नॉट सीन ए डायस इन इंदौर, द पर्सन इज हिडन बिहाइंड द डायस। तो मैंने इनको बोला तो आप क्या करोगे, तो बोलेंगे तुम मेरे को एक ग्लास का टुकड़ा ला दो। तो 268 में ये ग्लास का टुकड़ा ला दिया उनको, उन्होंने टफिन करवा लिया और उसका डायस बना दिया 268 रुपीज में, बट आई लाइक इट। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ सारे लड़के लड़कियों को, IIT वालों को भी, जिमी वॉज ओनली ए स्कूल पास आउट, कोई ट्रेनिंग नहीं थी, कोई डिग्री नहीं थी, कोई इंजीनियरिंग नहीं सीखी थी, एक नॉर्दर्न आयरलैंड के गांव का लड़का था, पर बॉय स्काउट था, एनवायरमेंटलिस्ट था, और दीपक का भाई था। ये एक लड़की देखी अभी, ये लड़की है मेरी जो मेरी देखभाल करती है, जिसके साथ मैं रहती हूँ, 6,000 लड़कियों में से एक लड़की है नंदा चौहान। फिर लड़कियों ने टॉयलेट बनाने सीखे, फिर ये पहला सोलर किचन, आप इसमें एक दो दाढ़ी वाले लोगों को देख रहे हैं नीचे, दीपक और इसका भाई, दुनिया में ये एक ही बंदा है जो जिसकी मैं भाभी हूँ, बाकी पूरी दुनिया मेरे को दीदी कहती है, इसका कब्जा है मेरे ऊपर इस बात का। और ये किचन, पहला सोलर किचन बनाया, ये 300 दिन 150 लोगों का खाना, ब्रेकफास्ट लंच डिनर बनता है, और फिर बहुत सारे मॉडल सोलर एनर्जी के बने, और ये सब चलता रहा लगातार, ये इंजीनियरिंग भी सीख रहे हैं, बना भी रहे, बेकरी भी बना रहे, हीट रिटेनर बॉक्सेस भी बना रहे, खाना कैसे रखना, इनोवेशन बहुत हुए, और ये नमकीन बन रहा है, 5 कुकर गांव में गए लड़कियां लेके गई अपने सीख कर, और लाइवलीहुड चला रही वो उससे, ये माइक्रो क्रेडिट ग्रुप के। तो ये ड्रायर, फिर उनको लगा कि ड्रायर बनाने चाहिए, ये किसानों के लिए, किसान आत्महत्या तभी से शुरू कर रहे थे ये, फिर बहुत तरह के ड्रायर, और ये गुलाबी रंग का अमरूद होता है ना, ये उसका आम पापड़ बोलते हैं जैसे, ऐसा मध्य प्रदेश में जाम पापड़ बोलते हैं। फिर उन्होंने बहुत सारे किचन, सोलर किचन आसपास बनाए। ये एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी में ब्रेन यूजर को ट्रेन करना, ये वो नंदा ने एक दिन सोचा कि अपन कुकर पर प्रेस रख के देखते हैं, तो अभी प्रेस भी कपड़े कर लेते हैं उससे। स्मार्ट यूज ऑफ सोलर एनर्जी स्मार्टली, मैं लोगों को बोलती हूँ ये फोन जो यूज कर रहे हो ये स्मार्ट रह जाएगा, अपन स्टूपिड हो जाएंगे अगर अपने फोन को यूज करना नहीं सीखा। मैं ये फोन को बहुत यूज करती हूँ, लेकिन बहुत स्मार्टली यूज करती हूँ, आई यूज द टेक्नोलॉजी वेरी स्मार्टली, आई नो व्हेन टू स्टॉप एंड व्हेन टू स्टार्ट अगेन। सो ये डिफॉरेस्टेशन, और इसका तस्वीर ये आपके सामने है, ये बहुत जगह होगी तस्वीर, तो इसको आप लोग सोचिए, एनवायरमेंटल जो स्मार्ट की बात हो रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात हो रही है, तो उसमें एक दिया, अंधेरा तो खत्म नहीं कर सकते पर एक दिया जला सकते हैं, छोटा सा टिमटिमा रहा है वहाँ पर सोलर कुकर। तो 500 कुकर गाँव में काम कर रहे हैं, दीपक की वाइफ शरीन और हम लोगों ने 98 से ये कुकर्स के ऊपर काम करना शुरू किया, और गांव में ये कुकर्स बहुत सारा, इसके ऊपर और पढ़िएगा, जब burly.org या जनक पलटा मगेलीगंज डायल लॉग इन करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये अपना बना के बेच रही हैं लड़कियां बाजार में, दुकान पे, सोलर टी स्टॉल है ये। ये फिर दूसरी बारी रिटायर होंगे, संस्था को संभालेंगे किसी को, और अपन जाके एक गांव में रहेंगे। अभी मैं सेंगल साहब को, सेंगल साहब बोलते हैं ना आपको, सेंगल साहब को बता रही थी, वो मेरे गांव के नज़दीक जाके आए हैं, तो हमने एक गांव में एक जगह पसंद की, वहाँ घर बनाना, ये पहला काम जिमी ने ये किया, वहाँ सोलर और विंड पावर स्टेशन बनाया। अब मैं स्मार्टनेस और गुडनेस दोनों बता रही हूँ आपको,
उस बंदे की, ये सब बना लिया, ये वहाँ बस्ती है 50 परिवारों की जो मेरे नेबर्स हैं, जिनके नज़दीक मैं रहती हूँ और जिनके कारण मैं वहाँ रह रही हूँ, और उनको 6 साल से बिजली फ्री मिल रही है यहाँ से सोलर और विंड पावर से। तो ये घर भी उन्होंने खुद बनाया, इस घर का कोई भी प्लानर बिल्डर ठेकेदार मिस्त्री ये सब कुछ नहीं है, पर उन्होंने बनाया और ये बहुत अच्छा घर का डिज़ाइन है। ये पावर स्टेशन चालू हो गया था, इस बीच में एक एक्सीडेंट हुआ हमारा, जिमी चल बसे, मैं बच गई उस एक्सीडेंट से, लेकिन इसमें आके फिर हमने इसको कंप्लीट किया और हमारे काम का नाम दे दिया जिमी मगिलिगन सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ही आए और उन्होंने इतना रिस्क लिया मेरे साथ शादी करने का और इंडिया में रहने का इतना रिस्क लिया, और पूरा जीवन वही की मिट्टी में फिर वो गए, रह गए, उसी मिट्टी में है अभी। तो ये उसको हमने पूरा करने के बाद वहाँ रहने लगे, और क्योंकि मुझे मोड ऑफ लर्निंग मोड ताउमर रहना था, लर्निंग मोड में रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं वहाँ रहकर और ये मेरी गाय और ये परिवार जिनके साथ मैं वहाँ रहती हूँ, एक एकड़ ज़मीन आधी किसी और की है, हमारे मित्र की आधी हमारे पास है, हम 8 लोग गाय उसका परिवार कुत्ता हम इंसान जितने रहते हैं, नमक तेल शक्कर चाय पत्ती के अलावा कुछ खरीद के नहीं खाते हैं, सब ऑर्गेनिक 100%, और वहाँ पर कचरा बिन नहीं है, और गैस की टंकी 2 साल से चल रही है, मैं पिछले साल आई थी तो 1.5 साल से चल रही थी, इस बार हम ब्रिकेट्स का बहुत अच्छा यूज़ कर रहे हैं, मेरे घर में 3 न्यूज़पेपर आते हैं, हम उसके ब्रिकेट्स बनाते हैं, बरसात में वो यूज़ करते हैं। अभी फिर ये भी हमारे परिवार का हिस्सा है केचुआ, और ये 13 प्रकार के कुकर हैं जिन पे मैं लोगों को ये बनाना सिखाती रहती हूँ, यूज़ करना सिखाती रहती हूँ। ये जो हमारे भाई बंधु हैं अजय चंदक जी, ये लाल रंग का इनका फ्रेम वाला कुकर, ये सारे कुकर लोगों ने प्रेम मोहब्बत में मुझे गिफ्ट दे दिए हैं, उपहार सम्मान। अभी ये मेमेंटो लेना बंद किया तो वो लेके आ गए एक दिन प्रिंस कुकर, ये तो उनको पता है ये मना नहीं करेगी, तो ये सारा टाइम चलता रहता है मेरा, मेरी अनंत कथा है ये। रोज नशेड़ी आदमी को जैसे नशा चाहिए होता है, मेरे को इसकी बात सुनने वाले लोग चाहिए, रोज आ जाते हैं या मेरे को बुला लेते हैं। ये सब हम अपना उगाते हैं और ये सब पुरानी चीज़ें वापस वैरायटी लगा रहे हैं। ये मेरा सोलर किचन है जहाँ पर ये आप ये देख पाएंगे उसका क्या क्या है। जिमी की याद में 1 सप्ताह सोलर सप्ताह होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैसे लोग भागवत कथा कराते थे तो हमारी सोलर कथा होती है, दीपक आएंगे, अजय आएगा, अभी आप में से और कौन आएंगे सोलर कथा में भाग लेने के लिए, अजय की सिस्टर है बहुत अच्छी शेफ है, एक्सपर्ट है, वो आती हैं और भी फ्रेंड्स आते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें दूसरों को फ्री बनाना सिखाते हैं और ये इसमें कोई पैसे किसी से नहीं लेते हैं। सेंटर इज नॉट फंडेड NGO, सेंटर किसी से कुछ नहीं लेता है और मैं किसी को कुछ देती भी नहीं हूँ, प्रभु चला रहा है मेरा सब। ये सब चीज़ें बनाना सिखाते हैं, लड़कों को ज़्यादा स्पेशल प्रेफरेंस दिया जाता है सोलर कुकिंग सीखने के लिए मेरे यहाँ, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कार्यक्रम चलते रहते हैं उनकी याद में भी। और ये फिर नेचुरल कलर्स होली पे बनाना सिखाते हैं गाँव में, होली भी नेचुरल, दिवाली भी देसी, और फिर जो बच्चे बनाते हैं उसका एक जैविक सेतु बनाया है हमने, एक हाट बनाया है किसानों का जहाँ आकर वो चीज़ बेचते हैं। तो अभी मैं अजय दायमा जी की बात कर रही थी, उनके यहाँ से भी जो सामान आता है वहाँ पर ये जैविक सामान बेचने की एक व्यवस्था हो गई है। ये इस साल मेरे गांव के 2 बच्चों ने 3,000 रुपये का पलाश का रंग बना के बेचा, एंटरप्रेन्योर बन गए वो लोग। तो ये मैं साबुन भी नहीं लगाती हूँ, शैम्पू भी नहीं लगाती हूँ, ये एलोवेरा निकाली काटी हंसे से और नहाए और फुर्सत, मेरी सफ़ेदी देखे बालों की, इसका राज ये है। ये भी सोलर कुकर किसी ने जिसने बनाया उसने गिफ्ट भेजा, तो हमारे देश की जो पार्लियामेंट की स्पीकर है उन्होंने उसका उद्घाटन किया। ये मेरा जन्मदिन, आप याद रखिए राखी, जन्मदिन, दिवाली,
पुण्य तिथि सब उस पे काम एक ही है। कौन सा? दुनिया बचानी है, क्योंकि पर्यावरण को हमारी जरूरत नहीं है, हमें पर्यावरण की जरूरत है। इसलिए इसलिए इस पर काम करना जरूरी है। और ये सब वाटर रिचार्जिंग, ये जैविक सेतु बनाया था सबने, हम लोगों ने मिलके हमारे गांव के अंदर ही बैठ के जिमी की याद में, बहुत शानदार चल रहा है 2 साल से। सारे ऑर्गेनिक किसानों को एक ठिया मिल गया है और उसका नाम भी मैंने दिया जैविक सेतु। वो हाट नहीं है, बाजार नहीं है। ये इसकी ओपनिंग करी हमारी लोकसभा स्पीकर ने, क्योंकि इंदौर की है तो आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। और ये फिर अगले साल का मोबाइल शुरू हो गया। अब मोबाइल गाड़ी जाती है डिलीवरी के लिए, होम डिलीवरी। ये 1 साल का प्रोग्रेस है, 2 साल का। जिमी की याद में हर साल कुछ वहाँ नया हो जाता है अपने आप। सस्टेनेबल, जो लोग सस्टेनेबल हैं। ये फिर हमारा सोलर कुकर इंटरनेशनल और सोलर कुकिंग कॉन्फ्रेंस और ये सब, आपके यहाँ आने के बाद पुर्तगाल गए थे हम लोग। ये जो भी आपको आता है वो इसी काम में होना चाहिए। माई माती है, संस्कृति कला और सभ्यता को संजोए तब बनेगा भारत स्मार्ट। सोलर पंच, एक बार IIT बुलाए हैं सोलर पंच, मुझे बताइएगा जब बुलाना है आपको। और ये सार्क कंट्रीज के लोग हैं, अशोका चेंज मेकर्स, तो ये भी गवर्नमेंट ने भेजा है उनको देखने के लिए। तो सामाजिक पर्यावरण पर ध्यान देना होगा। केवल पर्यावरण वो नहीं है जो 5 तत्व की बात करते हैं, पर 5 तत्व पर भी बोलती हूँ कि हिसाब लगा लो। आज पानी की क्या स्थिति है, हवा की क्या स्थिति है, आकाश की क्या स्थिति है, धरती की क्या स्थिति है, और गिन लो आपके बच्चों के बच्चों को उसमें से क्या मिलेगा, आपके पोती नाती पोते नाते को आप क्या दे पाओगे। ये इसकी कोई ऐप बना लेना, आप ऐप बनाना, रोज पता चलता रहे आपको कि आपके पास क्या बचा है। ये पर्यावरण दिवस एक और कुकर गिफ्ट में आया, पार्वती कुकर, दीपक जी ने उसको लॉन्च किया। फिर सोलर पावर से मनाई दिवाली। अब त्योहार, जीना मरना सब एक बार। ये नदियां अपने छोटे मोटे लड़ाई हम लोग ये भी वहाँ करते रहते हैं कि अपनी तालाब को बचाना है, लोग तालाब साफ करेंगे। ये भी महिला दिवस पर विशेष कार्यक्रम होता है पुरुषों को सोलर कुकिंग में एम्पावर करने का। औरतों के सहारे नहीं रहे वो बेचारे। मेन टू सेलिब्रेट द डे लर्निंग अबाउट सोलर कुकिंग। ये देसी नींबू का शरबत जैविक सेतु पे 400 रुपए का बिकता है, एक महिला का जो सोलर कुकर पे बनाती है। पिवड़ाई में है ये एंगल साहब, ये भी पिवड़ाई की है। और ये 2016 का जिमी की याद के प्रोग्राम सोलर कुकिंग के, लेकिन ये देसी देसी है सब। गेहूं देसी है, चीज अपना गाय का है, सब कुछ अपने घर की चीजों का है, पर नाम पिज्जा, क्योंकि बच्चों को थोड़ा उनको पिज्जा चाहिए। तो हम सोचते हैं बोलने दो ना, कोई फर्क नहीं, पर खिलाओ वो हमको क्या खिलाना है। हम उनको सस्टेनेबल पिज्जा खिलाएंगे, शुद्ध पिज्जा खिलाएंगे, असली पिज्जा खिलाएंगे, भारत की असली चंदौसी गेहूं का, असली दूध का, गौ माता के दूध का। ये सब चीजें वहां बनाना सिखाते हैं। ये बेकिंग बिस्किट सब, ये IIT इंदौर के थ्रू नॉर्थ ईस्ट के आजकल ग्रुप्स आते हैं मेरे यहाँ। पिछले 5.5 साल में 50,000 बच्चों को ये ट्रेनिंग वहाँ फ्री दे चुकी हूँ मैं। वहाँ एक एक दिन के, आधे आधे दिन के वर्कशॉप्स होते हैं बच्चों के, ये सब लगातार। अब मैं आपको ये उदाहरण देती हूँ, देखिए अपने चने लगाए, उसकी दाल बनाई, दाल का बेसन बनाया, बेसन के नमकीन बनाए और बोया गया चने, और सूर्य मिल रहा है, सोलर से सब बन गया। तो लागत और इसका वो लगाइएगा फिर अकाउंट। मेरे को कोई टेंशन नहीं हुई, ना इंक्रीमेंट की, ना 7 पे कमीशन की, ना गैस का खर्चा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। सूर्य भगवान कोई बिल नहीं भेजता, कोई टैक्स नहीं लगाता, कुछ काटता नहीं है बीच में, कमीशन भी नहीं मांगता। मेरे को एक दिन मध्य प्रदेश के मिनिस्टर ने बोला, हमारे SC ST जो है छात्रावास, जनक दीदी मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देख लिया उन्होंने, बोले हमारे छात्रावासों में करवाओ ना, क्यों नहीं हो पाएगा।
पर दीदी आप बताओ ना क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि सूर्य भगवान कट नहीं देंगे, कमीशन नहीं देंगे, तेल में मिलेगा, सब चीज में मिलेगा, उसमें नहीं मिलेगा आपको। तो ये हमारी नंदा है जो एक्सपर्ट है। ये सारी चीजें आप घर की हैं। मार्क टली है वहां पर, मार्क टली को जानते हैं सब, बीबीसी वाले। तो ये सारे बिस्किट घर के हैं, मूंगफली घर की है, पीनट बटर घर का है, आयरिश टी स्कॉन्स घर के हैं। ये इतने इतने पदार्थ घर में हो जाते हैं। और फिर मार्क टली ने क्या बोला खाने के बाद, पूरी दुनिया को ये लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए। मेरे घर आके प्रसन्न हो गए और उन्होंने बोला काश कि मैं इंडिया में रहकर वो कर पाता जो जिमी ने किया था। ये 16 ड्रायर्स हैं, ये सारा ड्राइंग का है काम। ये ब्रिकेट जो हम लोग बनाते हैं, और ये दिखा रहे हैं कि ब्रिकेट ऑलमोस्ट स्मोक फ्री है, और लड़के भी बहुत अच्छी रोटी बना लेते हैं, और अगर वो बनाने का तय करते हैं तो मुझे लगता है बहुत अच्छा आइडिया है। ये अभी स्कूलों के साथ वो हो रहे हैं MOU, और पानी का रिचार्जिंग की भी ट्रेनिंग हम लोग फ्री देते हैं। ये पेड़ लगाने की परंपरा तब से चल रही है 86 में, हर साल अभी कहीं भी पेड़ लगाते हैं और एक उत्सव होता है। ये मेरा 32वां साल है रक्षाबंधन का, ये मेरे गांव में एक उत्सव की तरह होता है, लोग आते हैं और वो पेड़ बचाने की जवाबदारी उन लोगों की होती है जहाँ पेड़ लगाए जाते हैं। ये हमारा सारा, ये एक लड़का है जिसने मेरे साथ इंटर, आप सोचते हैं मैंने साइंस पढ़ी नहीं स्कूल में भी, और ये लड़के ने इंटर्नशिप करके सोलर कुकर बनाया मेरे यहाँ। अभी MIT डिज़ाइन में 5 टॉपर्स में से है वो, अभी ग्रेजुएशन होके आया है वो, थोड़े दिन पहले उसका ये उद्घाटन हुआ वहाँ। सेलेस्टिनो पक्का सोलर कुकर, और ये हमारा सोलर कुकिंग इंटरनेशनल जिसके हम लोग सारे, और ये सारे सोलर कुकर इंटरनेशनल के लोग वहाँ देखने आए, ये मेरा पता है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नाउ आई रिक्वेस्ट आवर डायरेक्टर सर फॉर हिज प्रेसिडेंशियल रिमार्क्स। जनक दीदी, दीपक गढ़िया जी, प्रोफेसर मिश्रा, गौरव, यहाँ उपस्थित सब लोग, जो व्याख्यान हमने सुना वो दिल को छूने वाला भी था और दिमाग को भी। वो ये बता रहा था कि पर्यावरण, इसमें दो बातें हुई, प्राकृतिक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण। जो प्राकृतिक पर्यावरण है जिसकी बहुत चर्चा है आजकल, उसको अगर ज़मीन पे उतारना है कि हम, तो उसके लिए कुछ काम करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि पिछले 250 साल में जो प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है वो हमें एक बिंदु तक ले गया है, लेकिन अब ज़्यादा एडवांस्ड प्रौद्योगिकी चाहिए, और वो ज़्यादा एडवांस्ड प्रौद्योगिकी वो होगी जो पर्यावरण के साथ मिलके रहे, उसके सपोर्ट में काम करे, पर्यावरण के खिलाफ काम ना करे। आपकी टॉक से, बात से ये स्पष्ट हो गया कि काम इतना मुश्किल भी नहीं है, काम बहुत आसान है, लेकिन इसकी शुरुआत मुझे ये लगता है हमें अपने आप से करनी होगी। तो हमें अपने आप ये देखना है कि हम कौन सी वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं जो पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं, और फिर उस पर विचार करके जिनसे तुरंत बाहर आ सकते हैं उनसे तुरंत बाहर आ जाए, जिसमें बाहर आना अभी संभव नहीं लग रहा है उसको कैसे कम करें। इतना हम करेंगे अपने जीवन में तो हमारा सोच भी चलेगा आगे, और एक तकनीकी विद्यार्थी के रूप में, एक इंजीनियर के रूप में हम वो सब उस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे जिस ओर हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है।
दूसरा जो आपने कहा सामाजिक वातावरण, सामाजिक पर्यावरण, मतलब समाज में जो हो रहा है, हिंसा है, जो अशांति है, उससे कैसे बाहर निकला जाए। और उसमें मुझे लगता है कि दो बातें जो मेरी समझ में आई, श्रम और सेवा। श्रम का अर्थ शारीरिक श्रम, ये मेंटल लेबर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। लेबर जो है फिजिकल ही होता है, उसको बाद में इंटेलेक्चुअल लेबर वर्ड यूज़ कर लिया गया, लेकिन मेरे विचार से वो शब्द ठीक नहीं, क्योंकि जो हम मानसिक काम करते हैं वो स्वयं स्फूर्त हैं, वो तो अपने आप आगे बढ़ता जाता है। अगर हम खुद हार्मनी में, अगर हम खुद साम्यरस्ता में हैं, तो उसका रास्ता तो अपने आप। शारीरिक श्रम, इसका रास्ता भी अपने आप है, लेकिन शरीर का उपयोग करना होता है। तो अपने जीवन में हम श्रम को लाएं, श्रम को लाते हैं तो प्राकृतिक पर्यावरण विकसित होता है, सेवा को लाते हैं तो सामाजिक पर्यावरण विकसित होता है। तो श्रम और सेवा, इन दो चीज़ों के लिए, दोनों चीज़ों में अगर हम काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हम दोनों पर्यावरण को आगे बढ़ा पाएंगे। यूएन की जो परिभाषा है सस्टेनेबिलिटी, उसमें अब दोनों चीज़ों को शामिल किया गया है, खाली नेचुरल सस्टेनेबिलिटी नहीं है, ह्यूमन सस्टेनेबिलिटी। इसमें प्रकृति का जो नियम है उसको पहचानने की भी ज़रूरत है। प्रकृति के अनुसार जो प्राकृतिक पर्यावरण जिसकी बात कर रहे हैं, वो एक स्वाभाविक घटना है। जब एक पशु पत्ते खाता है तो क्या वो पेड़ को नष्ट कर रहा है या पेड़ का विकास कर रहा है? जब वो पत्ते खाता है, वही चीज़ मल में निकलती है, और जो खाद बनती 6 महीने में, वो 15 दिन में बन जाती है। जो खाद पत्ती के गिरने के बाद 6 महीने लगते, वो पशु यदि उस पत्ती को खा लेता है तो उसके मल से 15 दिन में वो खाद बन जाती है। तो पशु वाली जो टेक्नोलॉजी कहे, अगर नेचर की टेक्नोलॉजी, नेचर ने हमें दिया, उसने उस चीज़ को 10 गुना तेज कर दिया। हमको भी ऐसी ही प्रौद्योगिकी का विकास करना है जो प्रकृति में जोड़े, प्रकृति पर्यावरण को आगे बढ़ाए, न कि उसका ह्रास करे। सामाजिक पर्यावरण में भी ऐसी ही चीज़ है। यदि हम किसी को देते हैं, उससे खुशी मिलती है और लेने वाले को भी खुशी मिलती है। जब छीनते हैं तो दोनों में किसी को भी खुशी नहीं मिलती। वो भी दुखी, और हम सोचते हैं तो हमको भी लगता है क्या किया उस टाइम, उस समय हो सकता है कि आवेश में कुछ किया। तो दोनों का नियम आवर्तनशील है, प्राकृतिक पर्यावरण का भी और सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण में आवर्तनशीलता का क्या अर्थ है? जब हम कुछ काम करते हैं तो उसे दोनों को उभय तृप्ति, दोनों को सुख मिले, जिसके साथ काम किया उसको भी और मुझको भी। बस इस फॉर्मूले को, इस सूत्र को पकड़ना है, इस सूत्र को अगर पकड़ लेते हैं और फिर श्रम और सेवा को आगे ले जाते हैं, तो काम स्वतः ही आगे बढ़ता है। और आपने जो बात पूरी, आपका व्याख्यान रहा, वो दिल को छूने वाला भी था और दिमाग को भी। हम आपकी बात सुन के इससे प्रभावित हैं और प्रयास करेंगे कि ये चीज़ हमारी संस्था में भी आ जाए। हम जो अपना कौन सी दो चीज़ें, श्रम और सेवा। प्लास्टिक को रोकना, बैन करना इंस्टीट्यूट में मुश्किल नहीं, लेकिन श्रम को लाना और सेवा को लाना मुश्किल। इसी को वापस लाना है। धन्यवाद।